देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर के गोकुलपेट क्षेत्र में कैंसर डे केयर सेंटर का हुआ उद्घाटन। इस कैंसर डे केयर सेंटर के बारे में हमने विस्तार से जानने के लिए सेंटर इंचार्ज डॉक्टर मकरंद रणदिवे सर से विस्तार से बात की। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर में कैंसर डे केयर सेंटर का उद्घाटन नितिन जी गडकरी के हस्ते हुआ है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए सेंटर इंचार्ज डॉक्टर मकरंद रणदिवे सर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं आज जो इस सेंटर का उद्घाटन हुआ है इसके बारे में। सर, आपका रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आप क्या बताना चाहेंगे इस सेंटर के बारे में और आपका सेंटर के केंद्र कहाँ कहाँ पर है और यहाँ पर किस प्रकार से उपचार दिया जाएगा? MOC मतलब मुंबई ऑन्को केयर सेंटर, तो ये हमारा 12वें सेंटर है, 12th सेंटर है। इसके अलावा हमारी जो सेंटर की शुरुआत हुई थी वो मुंबई में हुई थी। मुंबई के अलावा हमारे सेंटर्स ठाणे, नासिक, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और इंदौर में हैं। हमारी सेंटर की खासियत ये रहेगी कि ये एक डे केयर सेंटर है। आप बाकी डे केयर सेंटर्स भी रहेंगे, बट जो USP या जो बात अलग करती है इस पर वो है कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जगह पे रहे जहाँ पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द सुविधा पहुँचाई जा सके, पेशेंट को लॉजिस्टिक की तकलीफ़ ना हो और एक वाजिब दर में वो ट्रीटमेंट मिले। कैंसर का ट्रीटमेंट अभी भी काफ़ी महंगा है। नॉर्मल पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो जिनके पास कोई साधन सुविधा नहीं है, तो वो इस ट्रीटमेंट में अगर कॉरपोरेट सेटअप में जाती है तो एक या दो साइकिल होते हैं। हमारी ट्रीटमेंट जो रहती है वो काफ़ी दिनों तक चलने वाली होती है, तो वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो नहीं पाती है। अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है तो जो ट्रीटमेंट का पर्पस है वही सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट पूरी तरह से ट्रीटमेंट ले, एक वाजिब दर में पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाए और पेशेंट खुशी खुशी ठीक हो जाए। या अगर पैलेटिव सेटिंग में है तो हमें कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आयु पेशेंट को प्रदान की जाए। यहाँ पर कौन कौन से प्रकार की थेरेपीज दी जाने वाली है? ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी सेटअप रहेगा। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, अगर हम कैंसर की बात करें ट्रीटमेंट वाइज, तो तीन तरह के ट्रीटमेंट से कैंसर को ठीक किया जा सकता है या फिर आयु को बढ़ाया जा सकता है। वो है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी सर्जरी से ट्रीटमेंट करना, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी रेडियोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट करना, और मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी का स्कोप काफ़ी बड़ा है।
वो चालू हुआ था 50 साल पहले कीमोथेरेपी से, अभी वो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब आधुनिक मेडिसिन्स पे आके रुका है और आगे उसमें एडवांसमेंट और भी होते जा रही है। तो हमारा जो सेंटर रहेगा वो डायग्नोस्टिक्स जैसे कि बोन मैरो, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, पैलिएटिव केयर, पेशेंट काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, ये सब पे भार दिया जाएगा। ये जो सेंटर है इसमें कितने बेड लगे हुए हैं? हमारे सेंटर में टोटल 12 बेड्स है। हर एक बेड को सुविधा है मॉनिटर की प्रॉपर, जो कि सेंट्रलाइज मॉनिटर किया जाएगा। कीमोथेरेपी के दौरान कुछ पेशेंट के वाइटल्स ऊपर नीचे बहुत बार हो सकते हैं, वो कंटिन्यूस जब तक कीमोथेरेपी चलेगी वो मॉनिटर किया जाएगा। पेशेंट को कैंसर, जो पेशेंट के रिलेटिव्स है जो आते हैं दिन भर बैठते हैं, उनके कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया हुआ है। एक कॉर्डियल स्टाफ रहेगा जो कि एक घर जैसा महसूस फीलिंग दे पाएगा, एक हॉस्पिटल की फीलिंग ना हो पेशेंट को, जो कि यही एक प्रयत्न रहेगा। कीमोथेरेपी के माध्यम से कितने अभी तक रिकवर हुए हैं पेशेंट्स कैंसर के? हमारे सेंटर में, मतलब अब तक बाकी सेंटर्स के हिसाब से भी, अब तक लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा हमने कीमोथेरेपी दिए हैं। रेशो देखा जाए तो 50-60% तक ऑलमोस्ट क्यूरेटिव इंटेंट रहा है। हम जब कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, उसमें हम इंटेंट देखते हैं कि किस इंटेंट से हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं। या तो हम पेशेंट ठीक करने के दे रहे, मतलब जो अर्ली स्टेज या फिर लोकली एडवांस स्टेज में आते, या फिर लास्ट स्टेज में आते हैं। तो पहले जो रहता था, अर्ली स्टेज भी रैपिडली प्रोग्रेस हो जाता था लास्ट स्टेज में, बट आज के तारीख में 2022 में हम पूरी तरह से आश्वासन से पेशेंट से कह सकते हैं कि आपका ये स्टेज है, आप पूरी तरह से ट्रीटमेंट लीजिए, आपको हम पूरी तरह से पूरी आयु देने की कोशिश करेंगे। इसे कैंसर होने के क्या लक्षण, क्या कारण हो सकते हैं, और जो आप एक डॉक्टर हैं तो आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कैंसर होने के तो काफ़ी कारण हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एज, कुछ कारण जो होते हैं वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ कारण होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे कि मान लो हमारी आयु है, जैसे आयु बढ़ती है कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। जेंडर हो गया, फीमेल में कुछ कैंसर्स कॉमन होते हैं, मेल में, ये हम बदल नहीं सकते। बट बहुत सी चीज़ें होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, कंट्रोल में होती है, जैसे कि धूम्रपान हो गया, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब पीना, तो ये चीज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर देखी गई है और काफ़ी पेपर्स इस पर पब्लिश हुए हैं जो कि बताते हैं कि ये काफ़ी हानिकारक है। तो एटलीस्ट हम अगर इन सब से दूर रह पाए तो बहुत से कैंसर के केसेस कम हो सकते हैं। रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप अब कम दर में आप यहाँ पर कैंसर का उपचार ले सकते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।